भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सभी भाई बहन वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो जरूर देख करके जाना। सबसे पहले आपको बताते हैं, सुबह वाले वीडियो पर सबसे पहला कमेंट अंजलि जी का आया था, गुड मॉर्निंग भैया जी, उन्होंने फर्स्ट कमेंट लिख करके भी भेजा था। साथ ही डाइट प्लैनेट के नाम से है उनका दूसरा कमेंट था और अंजू देवी बहन का एक है उनका तीसरा कमेंट था। अब बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हो मेन खबरों पर आते हैं। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए, आज 23 अक्टूबर को पोषण ट्रैकर ऐप पर कुछ खराबी है। यहां पर बहुत सी बहनों को समस्याएं देखने को मिली है। अगर आप में से भी बहनों को समस्याएं इसी तरीके से आज पोषण ट्रैकर पर काम करने के दौरान महसूस हुई हैं, तो उसके लिए आप परेशान मत होना। यहां पर आपको बताते हैं कैसी कैसी समस्याएं आई हैं। बहन है निर्मला देवी जो पीलीभीत से आती हैं, उनका कहना है, सुधांशु भाई हमारे फोन में पोषण ट्रैकर ऐप नहीं खुल रहा है, जबकि मोबाइल नंबर और पिन नंबर वो सही डाल रही हैं। भाई क्या यह समस्या हमारे फोन में है या सभी जगह है, पर जानकारी देने की इसके बारे में कृपा करें। तो आप सब भाई बहन जिनको भी इस तरह की समस्या आई है, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अवगत जरूर करना। निर्मला देवी बहन बरखेड़ा कला पीलीभीत से आती है। इनके अलावा भी बहुत सारे मैसेज आए हैं। एक ये बहन है भगवती बहन जो कि ललितपुर से आती हैं, इनका लॉगिन तो हो जाता है यानी इनका खुल तो जाता है, लेकिन यहां पर कुछ और समस्याएं हैं। जैसे उनका कहना है, गुड आफ्टरनून भैया जी, मैं अपने घर के फोन से पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करती हूं, सही से चलता था लेकिन आज इसमें सभी लाभार्थी में जीरो आ रहा है, नेटवर्क जो है नहीं आ रहे हैं या कोई दूसरा कुछ समस्या है ये बताएं। तो ये नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर ऊपर से ही खराबी है, मेंटेनेंस वगैरह चल रहा होगा, शायद कुछ और बदलाव नए अपडेट के साथ में आ सकते हैं, इसीलिए इस पर मेंटेनेंस चल रहा होगा और यहां पर ये चीजों में आपको दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होना। अगर किसी भी बहन की फीडिंग सभी की हो गई हो और अब इस टाइम पर आज उन्होंने खोला हो या कल खोले और उनको यहां पर जीरो जीरो सब दिखाई दे, यानी जो भी आपने फीडिंग अभी तक की है वो अगर शो नहीं कर रही है, तो उसके लिए आप परेशान मत होना, ये ऊपर से ही दिक्कत है। अपने आप जब एप्लीकेशन सही होगा तो वो चीजें भी सही हो जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि विभाग वाले अब अगर सबके जो है फोन में इस तरह से ये नंबर यहां से गायब हो गए जितनी भी फीडिंगें थी, तो शायद विभाग चाहता होगा कि आप लोग दोबारा से फीडिंग करें, क्योंकि बहुत सी बहनें सत्यापन नहीं कर पा रही हैं। ऐसे भी कारण हो सकते हैं, लेकिन आप लोग अभी फीडिंग मत करने लग जाना, ऐसी आप लोगों को हमारी सलाह है। जल्दबाजी में यह मत समझना कि लाभार्थी हमारे यहां पे सब गायब हो गए हैं, सब जीरो जीरो दिख रहे हैं, तो ऐसे में आप नए सिरे से फीडिंग करने लग जाएं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। फीडिंग जो है नहीं मत करना, यह ऑटोमेटिक भी सारी चीजें आ सकती हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पर ऊपर से खराबी है। अब बात करते हैं, और भी बहुत सी खबरें आपको दिखानी है। अभी आपको एक हम नजारा दिखा रहे हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, ये दूर दराज कोने में आप देखेगा ये आंगनबाड़ी केंद्र बना है जो आप यहां पे देख रहे हो। अब बताओ ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये हरा हरा, ये कोई फर्श नहीं बिछी हुई है, ये पानी के ऊपर जो काई होती है वो जम गई है। इस तरह से आप देख सकते हो कितना जो है ज्यादा इस टाइम पर बरसात हुआ था। रजकला देवी हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी जिले से आती हैं, उन्होंने अपने वहां से किए फोटो भेजी है। प्राथमिक विद्यालय जो यहाँ पर पिंघोरा विकास क्षेत्र जो है साहगढ़ जनपद इनका अमेठी उत्तर प्रदेश में, ये वहां पर स्कूल का आलम है। देखिएगा पानी कितना ज्यादा, ये सब पानी चारों तरफ भरा है, हरा हरा जो आपको दिखाई दे रहा है। और ये चीजें क्यों होती हैं, आप सब जानते हो, गांव में अच्छे तरीके से जल निकासी की व्यवस्थाएं ना करना, ये प्रधानों की बड़ी लापरवाही का ये एक नतीजा होता है। अगर गांव में जल निकासी का एक बेहतर जो है तरीका अपनाया जाए, तो यहां पर पानी कहीं ना कहीं जो है गांव में तालाब बनवाए जाते हैं उन्हीं में वो जाना चाहिए, लेकिन कहीं तालाब नहीं बनते हैं और कहीं जल निकासी नहीं हो पाती, तो इस तरह से पानी भरा रह जाता है। अब बात करते हैं, मीरा बहन जो कि जौनपुर से आती हैं, उन्होंने अपने वहां से एक मैसेज भेजा है। इनका मैसेज पढ़कर के मुझे तो बहुत हंसी भी आई थी, आप सब भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। इनका कहना, सुधांशु भैया सदा खून रहो, सदा खुश रहो, वो कहना चाहती होंगी, और खुश की जगह उन्होंने खून लिख दिया।
तो उनका कहना सुधांशु भैया सदा खून रहो, भैया जी हम लोगों का मानदेय अब तक आएगा, यानी कब तक आएगा वो कहना चाहती है, और उसको उन्होंने अब तक लिख दिया और खुश रहो को खून रहो लिख दिया। खैर कोई बात नहीं, मेरा देवी बहन का ये मैसेज था। मैं पहले भी कह चुका हूं बहनों, भेजने से पहले आप लोग पढ़ लिया करो कि आप क्या भेज रही है इस तरह से। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। मानदेय खातों में सबका लगा है, काफी जगह लगा है, कुछ एक आध जिलों में छोड़ करके काफी जगह हर बार रह जाता है, किसी न किसी जिले में निदेशालय वाले नहीं भेजते हैं, वो आगे पीछे भेजते हैं, ऐसा कोई पहली बार नहीं, ऐसा तमाम बार है, लेकिन ज्यादातर जिलों में पैसा लग गया है, अंडर प्रोसेसिंग में सबका लगा है। सक्सेस कब होगा ये हम नहीं कह सकते, जब भी हो जाए अच्छी बात है। अमर उजाला में देखिएगा एक खबर निकली है, रेखा बहन हरदोई से आती है, उन्होंने इसको भेजा है, लिखा है हाई कोर्ट का आदेश है, बिना पक्ष सुने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बर्खास्तगी अवैध है, सेवा बहाली का यहां पर निर्देश दिया गया है। इस तरह से आप सुन सकते हो, यहां पर बहुत सी जगह अधिकारी क्या करते हैं, जबरन बहनों को जो है उनकी बर्खास्तगी कर देते हैं, बिना उनके पक्ष सुने ही उनको नौकरी से निकाल देते हैं, किसी ना किसी कारण में गलत तरीके से उनको दर्शा करके। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और कोर्ट से आपको न्याय मिलेगा, ये इसका एक प्रूफ यहां पर आया है। बात करते हैं यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की बर्खास्तगी रद्द हो गई है, आशा बहन कानपुर देहात से आती है, उन्होंने इस मैटर को भेजा है। प्रयागराज से खबर है 22 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर बर्खास्तगी अवैध है। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट का 2 दिन में जवाब देने का अवसर देना है और जांच रिपोर्ट पर सुनवाई का मौका न देना पर्याप्त नहीं है, बर्खास्त करने से पहले सुनवाई का मौका देना जरूरी है। कोर्ट ने जिला कार्यक्रम अधिकारी बिजनौर के याची को बर्खास्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है और सभी जो है परिलाभों सहित सेवा बहाली का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने सरकार को नियमानुसार नए सिरे से आदेश देने की छूट दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहाना परवीन की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने जो है बहस की थी और कोर्ट ने कहा कि सरकार को याचिका का जवाब देने के लिए कई बार जो है अवसर व अंतिम अवसर के बाद भी जवाब दाखिल नहीं किया गया, याचिका के कथनों को सही मानते हुए फैसला किया गया। इस तरह से अपने अपने जो है बयान यहां पर निकल करके आए हैं। बात करते हैं अगले मैसेज की, रेनू पांडे बहन जौनपुर से आती हैं, उनका एक डाउट है, आइए जानते हैं। लेखा सुधांशु भैया जो हम जो है यहाँ पर बहुत सी बहनें ऐसे ही गलत लिखती हैं, लेखा सुधांशु भैया जो हम नमस्कार बताओ इसका क्या औचित्य है। वो कहना चाहती हैं कि हम लोगों का जो 200-300 रुपया जो कट रहा है बीमा के लिए, क्या उसका कागज हम लोगों को मिलेगा, यानी कुछ प्रूफ टाइप का ऐसे वो पूछना चाहती हैं। तो आप सब बहने बताओ, किसी न किसी को सबको मिला होगा एक कार्ड जैसा बनकर के दिया गया होगा, जिस पर आपका मंथली कितना पैसा कटता होगा उसके बारे में भी लिखा होगा। मैं उन योजनाओं की बात कर रहा हूं जो कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा या अन्य तरह से जो भी थी XYZ तीन तरह की योजनाओं के बारे में मैंने इकट्ठा जानकारी आप सबको जो प्रदान की, जिसके लिए पैसे कटते हैं यूपी में, वो आप लोगों को पता होगा। तो उसके बारे में आपको कार्ड जैसा दिया गया होगा और ऐसा आप लोगों को पहले भी बताया और दिखाया भी जा चुका है चैनल पर। अब बात करते हैं, यहां पर एक बहन है, इनका नाम है शांति देवी और सैदनगर से आती है, जिले का नाम इन्होंने बताया ही नहीं है और मैसेज में बहुत ही भारी भरकम लिख करके दिया है। इनका मैसेज मैंने पढ़ा था, इनकी समस्या यह है जो राशन है वो कम मिल रहा है, लाभार्थी ज्यादा है राशन कम आ रहा है, वितरण करने के दौरान बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, झंझट हो रहा है बांटने में। तो ये समस्या आपकी ही नहीं है, तमाम यानी हजारों बहनों की है और फिर भी आप सब बहनें ही जब इसके लिए लड़ेगी कुछ संघर्ष करेंगी तभी कुछ बदलाव होगा, अन्यथा जैसे ये चल रहा है वैसे ही जीवन भर चलता रहेगा। कामनी बहन कानपुर देहात से आती हैं, उन्होंने भी एक अखबार की कटिंग भेजी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती को 27 तक जमा करना होगा अपना हार्ड कॉपी। ये मैटर आप देख सकते हो शायद फरुखाबाद का है और ये साफ नहीं आया है, इसमें आप लोगों को हम बता दें। तो इन चीजों को लेकर के फरुखाबाद से जो भी लोग आते हैं वो अपना हार्ड कॉपी 27 जो है यहाँ पर अक्टूबर तक जो है अपना जमा कर सकते हैं और कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी के वहां आप जो चीजों को जमा कर पाएंगे। तो आंगनबाड़ी भाई बहने हैं, सहायिका है, मिनी है, जिन्होंने भी फॉर्म भरा होगा फरुखाबाद में, तो अपना हार्ड कॉपी का मतलब होता है आपके डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज जो आपके जो है जैसे फोटोकॉपी टाइप के जो रहते हैं आपके सामने, सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है जो चीजें, मान लो आपने किसी चीज का फोटो लिया उसका PDF टाइप से बना लिया, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके वो सब उनको फिर आप जब PDF टाइप में बना करके कहीं भेजती हैं या ऐसे ही भेजती हैं इलेक्ट्रॉनिक तौर पर, वो सॉफ्ट कॉपी टाइप में हो जाते हैं और हार्ड कॉपी आपका यही जो चीजें आप जो है फोटोकॉपी करा करके डायरेक्ट देते हो। तो इस तरह से अपना पूरा
सभी कागजों का जो भी चीजें हैं उन सबका पूरा बंच बना लो, पहले भी मैंने बताया है, और अपने वहां 27 तारीख तक फरुखाबाद में इन चीजों को जमा कर दो। इस मैटर को भेजा किसने था? कामनी बहन कानपुर देहात से। अब बात करते हैं अगले मैसेज की। शिक्षा मित्र बहन ससुराल में है और भाई स्कूल में उनके हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये आयशा बेगम बहन साहबगंज से आती हैं, उत्तर प्रदेश का ये मामला है। नौगढ़ के प्राथमिक विद्यालय पडरिया में मजाक बनी है शिक्षा व्यवस्था। समाधान दिवस के जो है उसमें ग्रामीणों ने सीडीओ से इसकी शिकायत भी की है। शिक्षकों को मिलता है अधिकारियों का संरक्षण, ये भी यहाँ पर है, क्योंकि जो अधिकारी हैं उन्हीं के संरक्षण में तो इस तरह से भ्रष्टाचारी और लापरवाहियां पनपती हैं। अगर अधिकारी चाहे तो इस तरह से कुछ भी ना हो, लेकिन वही चीज है ना, हर जगह पैसा चलता है, बस पैसा फेंक तमाशा देख। तो यहाँ पर शिक्षा मित्र बहन ससुराल में अपना मौज काट रही है और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि हस्ताक्षर उनके भाई मार रहे हैं। तो जो भी है यहाँ पर जांच की आवश्यकता है। अखबार में अमर उजाला में चीजें प्रकाशित हुई है और ये 23 अक्टूबर को आज ही ये निकला है वाराणसी में। अब बात करते हैं अगले मैटर पर चलते हैं। जैसा कि आपको बता दे, ये आप देखिएगा नौगढ़ वारा का खबर था। इधर एक पूनम जायसवाल बहन देवरिया से आती है, 22 अक्टूबर को निकला था। रुद्रपुर नगर में नजर नहीं आ रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र, यानी 15 केंद्रों में से सिर्फ एक पर हो रही थी पढ़ाई और यहां पर भी आंगनबाड़ी भवन भी नहीं बने हैं। इस तरह से तमाम समस्याएं देखने को मिली हैं। तो रुद्रपुर में नई शिक्षा नीति आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के प्राथमिक शिक्षा को जोड़ने की कवायद आपको पता है सब जगह जो है हो ही रही है, और यहां पर ये चीजें जो है यहां पर रुद्रपुर में इन चीजों से देख करके इन चीजों को धूमिल कर रही है। तो यहां पर देखिएगा जर्जर सीडीपी जो है सीडीपीओ कार्यालय से पुष्टाहार की उठान करती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो देखिएगा ये सरकारी भवनों का भी आलम ऐसा है, ये जर्जर सीडीपीओ कार्यालय है। आप देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है ऊपर नगर के एक आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को पढ़ाती है आंगनबाड़ी बहन। तो हर जगह पढ़ाए जो 15 केंद्रों में से एक ही बहन ऐसी मिली जो केंद्रों पर पढ़ा रही थी। हो सकता है ये बहन हमारी आंगनबाड़ी बहन ही होंगी। पूनम जायसवाल बहन ने देखो इस मैटर को भेजा है और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, हो सकता है कि पूनम बहनी यहाँ पर पढ़ा रही है उन्हीं का मैटर हो, काफी इसमें लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। तो खैर छोड़ते हैं, जो भी है आप सब में से अगर वीडियो देखते रहेंगे जो भी भाई बहन, तो आप लोगों को पता चलता रहेगा और सब सारी चीजें आप करती रहेंगी और कभी भी जो है कोई आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। बात करते हैं यहाँ पर ये निदेशक जो है ICDS निदेशालय बिहार पटना के, उन्होंने यहाँ पर ये देखिएगा एक लेटर 27/9/21 को जारी किया था। दरअसल दरभंगा जिले में एक मैटर चल रहा था, इस्मत जहां प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश जनता दल, और उन्होंने जो है यहां पर लिखा हुआ है भाया केवटी जिला दरभंगा का पत्र दिया है 18/9/21। इसमें इसके साथ में मूल संलग्न पत्र भी है और पत्र में दरभंगा जिले के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास योजना पदाधिकारी इन पर मनमर्जी से पोषाहार कार्यक्रम सहित अन्य सभी कार्य हेतु मनमाना नाजायज राशि जो है वसूली की बात अंकित करते हुए जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का अनुरोध यहां पर किया गया था। तो इन चीजों को लेकर के यहां पर एक ये चीज प्रकाशित हुई थी, मैंने पहले भी दिखाया था। इस पर बिहार प्रदेश जनता दल की तरफ से भी एक ये मैटर यहां पर आया है 18/9/21 को। श्री मदन साहनी जी हैं माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार पटना से, उन्होंने ये जो है उनको ये लेटर यानी भेजा गया था और इसमें वही चीजें लिखी गई हैं जो भी है मनमाना नाजायज राशि जो वसूली हो रही है डीपीओ सीडीपीओ के द्वारा, उसी को लेकर के चीजें यहां पर बताई गई थी। खैर देखना ये होगा, इसमें काफी चीजें हैं, जैसे उदाहरण जो है लिखा है 10/9/21 को DMCH में हुई मौत जिस शिशु का कुपोषण के कारण मृत्यु की गई थी, जो बहेड़ा जो है यहां पर पोहदी लिखा हुआ यानी बेनीपुर उसके निवासी सुनील साहनी का नवजात शिशु था। इस तरह से चीजें यहां पर लिखी हुई है। वर्तमान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी प्रति केंद्र 200 रुपया और विपत्र पास करने के लिए जिला कोषागार के 200 रुपया प्रति जैसे मांग करते हैं। देखो जो भी है इनकी पुष्टि मैं नहीं करता, इसकी विभाग अपना जांच करवाए और अगर पुष्टि होती है तो यहां पर चाहे डीपीओ हो चाहे सीडीपीओ हो कार्रवाई सब पर होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले मैटर की। इस मैटर में काफी चीजें हैं। अमर चंद्रलाल दरभंगा से हैं, यूनियन से भाई, और उन्होंने इस मैटर को भेजा है। इसमें आप देख भी सकते हो और भी चीजें हैं जहां पर इन भ्रष्टाचारियों के बारे में इसमें सब लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर वही चीजें ना, पहले विभाग जांच कराए और दोषियों पर फिर कार्रवाई हो जो कोई भी दोषी निकलता है। बात करते हैं यहां पर एक मैटर और आया है, बस्ती जिले से है। इसमें लिखा है जो है उक्त के संदर्भ में आप सभी प्लास्टिक एकत्र करते हुए फोटो सुबह ही ग्रुप में भेजना सुनिश्चित करें, जिलाधिकारी मैम का सख्त निर्देश है। मैंने पहले भी कहा था बस्ती जिले से एक लेटर आया था, वहां पर लक्ष्य रखा गया था, ग्राम लेवल पर भी था, प्रधानों का भी था, आंगनबाड़ी बहनों का भी था, हर विभाग का यानी अपना अपना लक्ष्य दिया गया था उसमें, और पॉलीथीन जो है यहां पर वो जमा करने के लिए बोला गया था। लिखा है पॉलीथीन इकट्ठा करते हुए फोटो जो है आप लोग प्रतिदिन 21 तारीख तक पॉलीथीन इकट्ठा करते हुए फोटो
भेजे और उसको बोरी में भर जो है भरते हुए भी फोटो खींचे। 2 किलो प्रति ग्राम सभा जो है इकट्ठा करना है, तो एक गांव से 2 किलो पॉलीथीन इकट्ठा करके जाएगी। आप सब अपने अगल बगल या अपने घर के अगल बगल की जो पॉलीथीन है, जो भी कचरा वाला, वो सब बीनो और फोटो खींचो और उसके बाद में भेजो। बताओ ये काम रह गए हैं आज की जनरेशन में। पढ़ाई वाले जो मुख्य काम थे वो अब आंगनबाड़ी बहनों से चले जैसे गए हैं, अब ये बेकार के काम है। और इन नौकरी के लिए पैसा कितना है वो आप लोग अपने मन से सोचो। ये विभाग बंधुआ मजदूरी से भी बदतर हालत में अब लाकर के बहनों को छोड़ दिया है। सरोज बहन फैजाबाद से आती है, इनका कहना है भाई नमस्ते, कल 22 तारीख को मेरे यहाँ चार्ज वाले केंद्र पर ड्राई राशन आया है, वो भी 3 माह का एक साथ। अब अभी जो है मेरे केंद्र का नहीं आया है, आज या कल में आ जाएगा। इकट्ठा 3 माह का राशन आ गया है, रखने की समस्या हो रही है, केंद्र तो मिला नहीं है और घर में भी इतनी जगह नहीं है कि दो दो केंद्र का 3-3 माह का राशन रख ले। राशन हर माह आता रहता है तो ऐसी समस्या नहीं होती। इस तरह से आप देखिएगा, चना दाल, रिफाइंड तेल और दलिया ये आया है। अब बताओ अगर चूहों से बचाएं, कहीं चूहे हुए काट दें तो भी नुकसान और फिर वो अपने पास से भरेंगी क्या? इस तरह से ये जो भी व्यवस्थाएं हैं सब गलत तरीके से, मानकों को ठेंगा दिखाया जा रहा है और व्यवस्थाओं को यहाँ पर अधिकारियों के जो लेटर आए थे निदेशालय से, उन सबका जो है यहाँ पर आप एक साइड में रख करके चीजें करवाई जा रही है। ये चीजें जो है हर माह भेजी जानी चाहिए ताकि इन चीजों की व्यवस्था जो रख रखा है वो अच्छे तरीके से हो। आंगनबाड़ी बहनों पर इस तरह से प्रेशर डालना ये अपने आप में मानसिक तनाव जैसा है। रेखा बहन हरदोई से आती है, उन्होंने अपने वहां से भी एक फोटो भेजी है और इनके अलावा बहन ने यहाँ पर कुछ लिख करके भेजा है। इनका कहना है कल हमारे ब्लॉक टोडरपुर जिला हरदोई में जिला निगम द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें आंगनबाड़ी बहनों को जल की शुद्धता की जांच घर घर जाकर के करनी होगी, इस तरह से बोला गया। कुछ कार्यकर्तियों को इसकी किट भी जो है उपलब्ध कराई गई है। अब आलम यह है कि रोज रोज ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग, कभी जल निगम, कभी अन्य ट्रेनिंग, कभी जो है पेपर जमा करना, यानी एक महीने में 10 बार यानी 100 जो है धाम का 1000 रुपया। आनंद कुमार त्रिपाठी, इस तरह से उन्होंने अपना मैसेज लिखा है। तो आप देख सकते हो उस तरह से बहनों के हर महीने इसी कामों में खर्च हो जाते हैं। सुनीता सिंह बहन मऊ से आती है, उन्होंने अपने यहाँ कहा कि भैया जी नमस्ते, मैं उत्तर प्रदेश बलिया से अनीता सिंह बोल रही हूँ। हमारे यहाँ प्री प्राइमरी का अभी एक भी ट्रेनिंग नहीं हुआ है, क्या मिनी बहनों को ट्रेनिंग दिया जाएगा? तो देखो मिला है, काफी जगह मिनी बहनों को भी ट्रेनिंग दी गई है। पिछले वाले मैटर पर एक बार जरूर कहना चाहूंगा, एक जगह आपने बस्ती में देखा पॉलीथीन बिनवाई जा रही बहनों से, यानी वो इकट्ठा करो कूड़ा कचरा। दूसरी जगह आपने देखा अभी बहनों को वहां क्या हो रहा है, वहां पर ये वाले मैटर में बोल रहे हैं कि घर घर जाओ और पानी की जो है जांच करो, शुद्धता की जांच करो, यानी जो भी काम आए सब बहनों से करवा लो। अब यहां पर बात करते हैं अगले मैसेज की। हंसिका जी हैं, उनका कहना है गुड मॉर्निंग सुधांशु भैया जी, मैं झारखंड स्टेट दुमका जिले से हूँ। हमारे यहाँ 6 माह से जो है मानदेय भी नहीं आया और पोषाहार का पैसा भी नहीं आया है, तो झारखंड राज्य में देखिएगा इस तरह से समस्याएं हैं। अब आप लोगों सोचिए, जहां कहीं 1-2 माह का पैसा और जहां जहां 6-6 माह का पैसा बकाया है, और बिहार जैसे राज्य में नई सेविका बहनों का साल साल भर का पैसा बकाया है। आप सोचिएगा सरकार एक राज्य में ही नहीं पूरे देश में इस तरह से सिर्फ और सिर्फ शोषण कर रही है। आगे देखिएगा यहाँ पर जो है अरकम असरार ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इनका कहना है दरअसल बहन है आयशा खातून, इनका कहना है भैया जी दिवाली की जो है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या मानदेय जो है यहाँ पर दिवाली तक आ जाएगा? आजमगढ़ वगैरह अमिलोस वगैरह से कुछ लिखा है, तो वहां से आती है। तो आपको बता दें दिवाली तक उम्मीद रखिएगा आ जाना चाहिए, अभी बहुत समय है, लेकिन पैसा अंडर प्रोसेसिंग में लगा है वो क्लियर होना ये अपने आप में एक सवाल होता है, और ये हम नहीं कह सकते कि वो कब क्लियर होगा। हम सच बोलते हैं और झूठ बोलना हो तो मैं कभी भी कह दूं, लेकिन हम चाहे किसी को पसंद आए बात या ना आए, जितना सच होता है उतना ही बताते हैं। पैसा जब लगा था तब बता दिया था और अभी सक्सेस नहीं हुआ है ये भी आपको मैंने बताया है, जब हो जाएगा तो बता देंगे। गिरीश जी हैं, उनका भी मैसेज है, सुधांशु भैया जी नमस्कार, मैं दरअसल गीता देवी बहन का मैसेज है और यहां पर लिखा हुआ अलापुर जिला बदायूं में पड़ता है। भैया जी आप पोषण ट्रैकर ऐप पर फीडिंग वाले लाभार्थी नहीं दिखाई दे रहे, मैंने देखो स्टार्टिंग में ही बता दिया, चैनल पर भी आज सुबह से काफी कमेंट इस तरह के आए हैं पोषण ट्रैकर वाली समस्या के, तो इसीलिए आपको हम बता दिया स्टार्टिंग में सभी बहनों को, अगर पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी शो ना कर रहे हो तो फीडिंग मत करने लग जाना, उसको ऐसे ही छोड़ दो, अपने आप वो चीजें सही हो जाएंगी जब अपडेट आएगा। यहां पर देखेगा तो फीडिंग वेडिंग जो है यहां पर ना ही हो रही है, तो ये समस्या है पोषण ट्रैकर पर, इसलिए ये हो रहा है और घबराने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं और भी मैसेज पर, ममता देवी बहन ने कहा है कि भैया जी नमस्ते, उत्तर प्रदेश के मानदेय तो बीरबल की खिचड़ी हो गया है। अब आगे देखिएगा अनीता बहन है, उनका कहना है कुशीनगर खड्डा में मोबाइल के बदले 1000 रुपया विभाग वाले मांग रहे हैं, बताइए क्या करें।
तो अगर आपके पास सबूत है विभाग वाले पैसा मांग रहे, तो आप चाहो तो अपना इसके लिए एक्शन ले सकती हो, अपने साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आप लड़ सकती हो, मर्जी आपकी है, जो भी आप अपना करना चाहो। अनीता मौर्या बहन का ये एक समस्या है, उनके वहां मोबाइल के बदले 1000 रुपया वसूली हो रहा है। अब आप सोचिएगा कितने भ्रष्ट अधिकारी होंगे जो इस तरह से वहां पर वसूलियों के लिए बात कर रहे होंगे, और वो भी इस डिब्बा वाले फोन के लिए, और वो भी किनसे, जिनका घर का खर्चा खुद ही नहीं चल पाता है। सुनीता शर्मा बहन ने कहा है कि प्रमोशन कब तक होगा, तो इसके बारे में ये नहीं कह सकते कब तक होगा। हाँ, जब जानकारी आएगी तो चैनल पर जरूर दी जाएगी, और अभी कोई लेटर वेटर हाल फिलहाल में प्रमोशन के बारे में जारी नहीं हुई है। 2017 से प्रक्रिया अभी भी अधर में लटकी हुई है, पता नहीं गवर्नमेंट इसको करना नहीं चाहती है या क्या माजरा है। जो यहां पर देखिएगा, एक बहन है, उन्होंने कहा कि नमस्ते भैया जी, आंगनबाड़ी दरअसल राजेश जो है बुधपुर वगैरह लिखा है, वहां पर 2 बजे तक स्कूल किया, तभी जो है यहाँ पर सोनिका एनएम का जो है फोन आया और काम बताया, एनएम जो है आंगनबाड़ियों को पागल बना रही है, प्लीज इसे जरूर दिखाना। देखो, पागल बना रही या नहीं बना रही वो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा हर जगह केस में नहीं है, बाकी गलती विभाग की है, स्वास्थ्य विभाग के साथ में लगा करके वो काम ही करवा रहा है, एनएम पहले क्या करे। तो ये हर जगह का मैटर अपना अलग अलग, लोगों की सोच अलग है, हो सकता है आपके वहां भाई आपको वो एनएम बहन स्पेशली परेशान कर रही हो, ज्यादा आपसे काम ले रही हो, एक अलग मैटर, लेकिन हर केस में हर जगह एक जैसी सिचुएशन नहीं होती, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अब बात करते हैं, यहां पर देखिएगा सुनीता सिंह बहन है, उनका कहना है, गुड मॉर्निंग भैया, पोषण ट्रैकर पर नई जो है यहां पर प्रेग्नेंट जो महिला है उनको ओटीपी उनका नहीं आ रहा है, बताएं कि जो है बताने की कृपा करें, बेनिफिशियरी को ऐड करना बंद हो गया है। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया पोषण ट्रैकर पर खराबी चल रही है, इसीलिए समस्याएं आ रही है, घबराइएगा मत, जब सही हो जाएगा तो कर लेना। सुनीता बहन का कहना, गुड मॉर्निंग भैया जी, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कब तक मानदेय आएगा, हम लोगों का करवा चौथ भी आ गया है लेकिन अभी तक मानदेय नहीं आया है, बताएं हम लोग क्या करें। तो वही चीजें हैं, अगेन जो मैंने बताया है वही चीजें, मैं क्या कह सकता हूं कि पैसा कब सक्सेस होगा, पैसा लग गया है निदेशालय से, वो तो सब पहले ही आपको बता दिया था। कुणाल सिंह जी का मैसेज है, भाई उत्तर प्रदेश में मानदेय आया या नहीं आया, नहीं आया अभी, पैसा सक्सेस अभी नहीं हुआ है, लगा है बस खातों में। अब बात करते हैं अगला मैसेज, गौरव मिश्रा जी का, भाई नमस्ते, समूह के लोगों की शिकायत विभाग में क्यों नहीं की जा रही है। तो देखो, शिकायत करना या ना करना वो तो आप सब भाई बहनों का काम है, क्योंकि शोषण और जो भी गलत जिसके साथ हो रहा है वही तो उसके लिए लड़ेगा, तो समूह वाले जहां कहीं भी गलत हैं, गलत कर रहे हैं, तो वहां की बहनों को उसके लिए लड़ना चाहिए, और बाकी जगह जहां कहीं अच्छे हैं, अच्छी तरीके से काम चल रहे हैं, तो वो भाई कैसे लड़ेंगे विभाग से। और विभाग वाले क्या है, उनको तो अपनी सैलरी मिल ही रही है, उनको क्या दिक्कत है, वो तो ऐसे चुपचाप काम करते रहेंगे। राजेश कुमार है, उनका कहना है कि जो फोन मिला है उसमें ऐप डाउनलोड कैसे करें, तो उसमें ऐप डाउनलोड हो ही नहीं सकते, बहुत पहले से सारी चीजें ये बता दी गई हैं। अब बात करते हैं राहुल जी का मैसेज, सुधांशु भैया आपका, आपके इतने कहने के बाद भी सरकार के सिर्फ जो है पर जो है जू तक नहीं जो है लगती है या रेंगती है, इस तरह से वो कहना चाहते हैं। तो यहां पर अब क्या करें, गवर्नमेंट ही ऐसी है जो यहां पर उनको लगता है कि काम तो हमारा चल ही रहा है, अब जब तक बहने आप सब खुद ही विरोध नहीं करेंगी तब तक शायद कुछ ना हो। सुनीता बहन सोनभद्र से आती है, उन्होंने एक ये फोटो भेजी है, और इनके अलावा एक ये बहन है मीरा देवी जौनपुर से आती है, इन्होंने कहा सुधांशु भैया जी देखो यहाँ पर सदा खून रहो, इन्होंने ही मैसेज किया था, सदा खून रहो वाला कोई बात नहीं है, ऐसे हो जाता है कभी कभी मिसप्रिंट लिखने में, लेकिन ये चीजें पढ़ करके कभी हंसी भी आती है, तो कभी जो दिमाग ज्यादा हमारा टेंशन में जब रहता है तो चीजों को हम पढ़ते हैं तो थोड़ा अच्छा फील होता है। आगे देखिए, पूनम बहन बहराइच से आती है, उनका भी इस तरह से एक मैसेज आया था, और इनके अलावा के बहन है सरोज जो कि मेरठ से आई हैं, इनकी समस्या है कि इनके वहां पर समूह वाले राशन आंगनबाड़ी केंद्र पर देने नहीं जाते हैं, और ये बहन अपना जो है वो चीजों को लेकर के राशन केंद्र पर खुद लेकर के आई है, तो ये समस्या है। तो आप रिसीव भी ना करो, धाम कसी उन पर होगी, आप पर थोड़ी होगी, उनका काम है आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचाना, अगर नहीं पहुंचाते हैं तो आप चुपचाप बैठी रहो, जब लाए तब वितरित करना, और इस तरह से आप चाहो तो डीएम कार्यालय में शिकायत कर दो जाकर के कि राशन पानी आया ही नहीं, वो दे जो है आज तक लाया ही नहीं, अभी तक है बस काम खत्म। भाई राशन लाने का काम जिसका है वही लाएगा। शीला बहन वाराणसी से है, भैया जी नमस्ते, मैं वाराणसी ब्लॉक वगैरह यहाँ पर शायद क्या लिखा हुआ अराजी लाइन आंगनबाड़ी सेविका शीला पटेल, भैया जी हम लोगों का भी जो है 22 तारीख को इनको मोबाइल वहां पर मिल गया है, तो अच्छी बात है, अब उसमें चले वलेगा तो कुछ नहीं, ना ही नंबर से होंगे। राधा बहन औरैया से आती हैं, और इनके अलावा ये बहन है निर्मेशवती जो कि मुजफ्फरनगर से आती हैं, इनके अलावा ये पूनम त्यागी बहन अमरोहा से आती हैं, और इनके अलावा जो है एक ये बहन सुधा जो कि सिद्धार्थनगर से आती हैं, ये बहन है राजकुमारी गोंडा से आती हैं, और लास्ट में ये बहन है वंदना सिंह जो कि गाजीपुर।